हेलो दोस्तों, मैं सोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैंसा सर्विस चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे कि चैंसा मशीन का सिलेंडर पिस्टन क्यों जल्दी खराब हो जाता है। जैसे आप सिलेंडर पिस्टन नया डलवाएं, उसके बाद कुछ टाइम चलाएं, एक घंटे या दो घंटे दो दिन चलाएं आप, उसके बाद आपका सिलेंडर पिस्टन डैमेज हो गया है। तो आज की वीडियो में आप लोग यही जानेंगे कि चैंसा मशीन का जो सिलेंडर पिस्टन होता है किस पार्ट की वजह से जल्दी डैमेज हो जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, क्योंकि इसमें बहुत से पार्ट हैं जिसकी वजह से आपका चैंसा का जो सिलेंडर पिस्टन होता है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक चैंसा सर्विस चैनल का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको मशीन का जो एयर फिल्टर लगा होता है इसको आपको खोल के कभी नहीं चलाना है। इसे खोल के चलाने से आपकी जो सिलेंडर पिस्टन है वो हवा जो लेता है, यहाँ से आपकी जो सिलेंडर में हवा जाती है, एयर जाती है, वो इसी के थ्रू जाती है। जब आप फिल्टर को खोल के रख देते हैं तो आपको क्या होता है कि जो आपके कण धूल मिट्टी जो भी होती है, जिसे आप लकड़ी काट रहे हैं, जो लकड़ी का बुरादा निकलता है वो उड़ के इसी में चला जाता है। सिलेंडर के अंदर जब जाता है तो सिलेंडर को डैमेज कर देता है। इसलिए फिल्टर को हमेशा लगा के रखें और फिल्टर को साफ भी करें, और जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो इसको चेंज भी करें, क्योंकि जब ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो हवा क्रॉस नहीं होगी। इससे जब हवा क्रॉस नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो चैंसा है वो आपका स्लो हो जाएगा, आपकी जो स्पीड है वो स्पीड नहीं लेगा। इसलिए फिल्टर को देखें और इसको क्लीन रखें, और जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो इसको आपको चेंज भी करना है, आपको इसे चेंज भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद इसको आपका सिलेंडर जो होता है, आपको कभी कभी क्या होता है कि चलते चलते आप नया सिलेंडर पिस्टन डलवाएं और उसके बाद कुछ टाइम बाद दो घंटे या दो दिन चला, उसके बाद जो आपका सिलेंडर पिस्टन है वो फिर से डैमेज हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना ये है कि आपका सिलेंडर पिस्टन क्यों खराब हो रहा है। तो आपको पहले ये जो साइड पल्ला होता है इसको आपको खो लेना है, और जो क्लेच ड्रम लगा होता है इसको आपको अप डाउन करके देखना है कि ये अप डाउन हो रहा है कि नहीं। अगर आपका जो सिलेंडर पिस्टन है वो सॉरी जो आपका क्लच ड्रम है ये ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको क्या है, इसमें अंदर जो आपकी बैरिंग पड़ती हैं, बॉल बैरिंग पड़ती हैं, इसका जो होता है 6502 साइज होता है, ये बैरिंग पड़ती हैं, ये क्रैंक में पड़ती हैं। तो ये जब घिस जाती हैं या इनमें प्ले हो जाती है, चलते चलते क्या होता है जब ज़्यादा दिन चल जाते हैं तो इसमें ऐसे प्ले हो जाती है, जो छर्रे जो इसके अंदर होते हैं वो कट जाते हैं तो प्ले हो जाती है। इसकी वजह से जो आपका क्रैंक है वो इधर उधर मूव करता है, जब मूव करता है तो आपका जो सिलेंडर पिस्टन है वो डैमेज हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा वो आपको बताएंगे कि आपको क्लच ड्रम को ऐसे पकड़ना है और ऊपर और नीचे की तरफ इसको देखना है। अगर इसमें ये मुंह कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो बैरिंग है वो बैरिंग खराब हो चुकी है। ये देख लीजिए आप, इसका जो क्लच ड्रम वगैरह है इसका थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। अगर आपका जो मशीन का है वो आप करेंगे, अगर बैरिंग उसमें डैमेज हो चुकी है तो ये मुंह करेगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो होता है मेन, इसका जो क्रैंक होता है, क्रैंक में प्रॉब्लम होती है तब भी आपका जो क्रैंक वो सॉरी जो पिस्टन सिलेंडर होता है वो खराब होता है। जो इसके जो रॉड होती है, क्रैंक रॉड है ये, इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका खराब हो गया है, ये जैसे आप इसको ऐसे यहाँ से पकड़ें, ऐसे आप पिस्टन सिलेंडर डालने के लिए खोलें तो इसको आपको मूव करना है, इधर लेफ्ट और राइट में इसको मूव करना है। अगर ये मूव कर रहा है, थोड़ा सा मुँह कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज़्यादा ये मुँह कर रहा है तो आपको क्रैंक भी चेंज करना पड़ेगा। अगर क्रैंक आप नहीं चेंज करेंगे तो आपका जो सिलेंडर पिस्टन है वो डैमेज करता रहेगा, क्योंकि इसमें जब चाल हो जाती है, मुँह करने लगता है, तो जो आपका सिलेंडर पिस्टन है वो एक जगह से एक तरफ को भगता है। जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ का वो मुँह करता है, एक तरफ भगता है, आपका जो सिलेंडर पिस्टन है, जो पिस्टन होता है वो एक तरफ जाके घिसने लगता है। जब घिसने लगता है तो जल्दी से डैमेज हो जाता है, इसलिए आपका सिलेंडर पिस्टन खराब होता है। ज़्यादातर इसी इसी में प्रॉब्लम आती है, जो ये रॉड होता है
इसमें वायरिंग जो होती है वायरिंग चलते चलते कट जाती है, इसमें छोटी सी वायरिंग पड़ती है, इसमें जब कट जाती है तो ये जो है ऐसे आप ऐसे यहाँ पे ये जो है ये हल्का हल्का कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हल्का हल्का मूव कर रहा है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नया है नया है। लेकिन जो पुराने हो जाते हैं जब चलते चलते कट जाते हैं तो ज़्यादा मूव करने लगते हैं, ज़्यादा मूव करने तो पिस्टन सिलेंडर को काट देते हैं, इसलिए आपका सिलेंडर पिस्टन ज़्यादा नहीं चल पाता है। कई भाई ने मुझे कमेंट किया था कि जो सिलेंडर पिस्टन है मेरा एक दिन चलता है उसके बाद ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस पार्ट की वजह से आपका सिलेंडर पिस्टन खराब होता है। हमेशा आपको ये दो चीज़ तो याद में रखनी है, जैसे कि इस आपका मेन जो होता है ये क्रैंक राड है, ये अंदर से होके बाहर निकलता है, इसमें क्लच में फंसता है, ठीक है, इसलिए इसमें आपको जो ऐसे वायरिंग आपकी बॉल वायरिंग होती है ये खराब होगी तो ये मूव करेगा, डाउन अप होगा, डाउन अप होगा, जब इसको आप ऊपर नीचे ऐसे खींचेंगे ना बाहर की तरफ तो ये आपका मूव करेगा। अगर आपका बैरिंग सही होगा, जो बैरिंग पड़ता है ये बैरिंग अगर आपका सही होगा तो फिर मूव नहीं करेगा, ये जैसे ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका बैरिंग जो है सही है। और जैसे क्रैंक का है तो क्रैंक तो आप बता ही दिए हैं, इसका जो मूव करेगा तो आपका क्रैंक जो पिस्टन है वो काट देगा, इसलिए ये सब सारी चीज़ें देखना है, उसके बाद आपको पिस्टन डालना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।